होनी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी खुले पंडाला विच सुभायमान हो चुके ने, दीवान आरंभ होने जा रहा है। आप सारी संगत नूं हाथ जोड़ बेनती है, जेड़े वीर सेवा च जुड़े हुए ने कृपा करके आप जुड़े रहो। बाकी सबना नूं अर्ज है आप गुरु दरबार विच खुले पंडाल विच पहुंचण दी कृपालता करो। अज ये महान शहादत दिवस जिस नूं समर्पित आपां सारे जुड़ के बैठे हाँ, याद रखिए साका ननकाणा साहिब विच सरदार करतार सिंह झब्बर, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल होना दे नाल संघर्ष करन वाले महान योधे सरदार त्रिलोचन सिंह जी दी पंजवीं पीढ़ी विचों ये शहादत हुई है। सो ये पिछोकड़ इतिहासी तरतीब मुताबक साडे सन्मुख नजर आ रहा है। अज दे हकां दी गल करदे आं, भाई नवरीत सिंह जाबाज योधे वांगू जूझदे हुए शहादत दा जाम पी के गए। असी सारियां ने उस महान योधे दी महान शहादत नूं समर्पित होण दा जतन करना है। ते जतन करिए सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी हजूरी विच सचे पातशाह जी दे सन्मुख अपने आप नूं समर्पित करदे आं। शब्द सुरत विच एकाग्र हुंदिया होया बाणी विच ध्यान केंद्रित करदे आं, उस महान योधे नूं सच्ची सुची श्रद्धांजलि आपां सब ने अर्पित करनी है। उपरंत साडे विच बहुत विशेष हस्तियां ने भी अज हाजिर होना है, सभना दे विचार आपां सब ने श्रवण करने ने। सो आओ दीवान दी आरंभता अति सत्कारयोग भाई खजान सिंह जी हजूरी रागी गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बिलासपुर तो वो पहुंचे ने, वो एक शब्द की हाजिरी सब तो पहला भरनगे। उस तो बाद भाई कुलवंत सिंह जी हजूरी रागी जथा नानकपुरी टांडा साहब तो वो हाजिर होणगे। उस तो बाद भाई गुरविंदर सिंह जी रुद्रपुर वाले उन्होंने हाजिरी भरनी है, एक एक शब्द की हाजिरी सारे जथे लवाउणगे। कोई बहुता समा नहीं हैगा, बहुत सीमित जिहा समा साडे सभना पास है। सो मेरी बेनती है जथियां नूं कृपा करके आप जी ने समय अंदर रह के गुरबाणी शब्द कीर्तन करन दी कृपालता करनी जी। आओ आप सारे बड़े प्यार सत्कार सहित भाई खजान सिंह जी पासों गुरबाणी कीर्तन श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
प्रेम के नण काचा सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया इत मार्ग पैर तरी जय सद जीवन होए
अगली सेवा वास्ते अति सत्कारयोग भाई कुलवंत सिंह जी गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब तो वो आप जी ने शब्दी हाजरी श्रवण कराउणगे। आओ तिन्हां पासों बड़े प्यार सत्कार नाल आप कुरबाणी कीर्तन श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओके
पिछे कर लो जुगो जुग अकाल अकाल फल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र जुरी अंदर सुभाए मान नाम किया किसानी संघर्ष के छेती प्राप्त की सुभाओ गुरु सवार बड़े अविष्कार के नाल सारे जाने रल के पावन शब्द की हाजरी अब कैसे मरो मरन मन मानिया मर मर जाते गुरबाणी जी है वह शरीर के मर जाने मौत नहीं मनती जमीर का मर जाना मौत है जिन्हों का जमीर मरिया होया है वह भावे अपने सारे विचरते पे पर जमीर करके मरे हुए शरीर करके अपन जिंदे दिसते पर वीर शहीद नवरीत सिंह जड़ा है इन्हों आने वाली नसलों की रही दुनिया तक के शहीद का नाम जड़ा है सुनहरी अखरों के लिखा जाएगा गुस्सा का नाम आओ रल के पावन शब्द जी हाजिर अब कैसे मरूं मन मान लिया अब कैसे मरो
मर जाते जिन राम न जाने मन मन मारिया अब कैसे
सत्कारयोग भाई गुरविंदर सिंह जी दोतरपुर वाले वो आप जी ने शब्द की हाजिरी श्रवण कराउणगे जी। आओ प्यार सत्कार सहित आप श्रवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.
कल काती राजे कसाई।
करम पंख कर उड़दे करम पंख कर उड़दे वाहे गुरु प्रवान कर ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਈ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਦੀ ਸਮਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ अजे पंडाल पूरा खाली है उथे आप जी ने बैठन की कृपालता करनी जी नाल ही एक बेनती है जो कैमरे लगे ने इन्हां तो फ्रंट ते कोई भी मीडिया वाले आके कवरेज ना करन जिन्हां ने भी करनी है बैक आप जी कर सकते हो क्योंकि स्टेज के सामने फिर माहौल ठीक नहीं रहिंदा सो एक बेनती नूं आप जी ने प्रवान करना जी अज आपां सारे महान शहीद वीर नवरीत सिंह जी की शहादत को समर्पित इखे जुड़ बैठे हाँ जरूरी है साडे सबना वास्ते कि असी उस महान प्यारे साडे घर के वीर की शहादत को अजाई न जान दईए किसानी हकों लई संघर्ष करता साडा वीर 26 जनवरी नूं दिल्ली की धरती ते शहीद होया है सरकारी तशद्दुद का शिकार होया साडा वीर सो असी इस रोह नूं होर मजबूत करना है शांतमय तरीके नाल अपने हकां लई संघर्ष करन दी असीं होर भी सोहनी तरतीब बनाउण दी कोशिश करनी है आओ सारे इस समागम विच बैठे हां असीं जतन करिए कि उस महान वीर दी शहादत नूं अजाई नहीं जाण देवांगे जितने भी पहुंचे हां जां पहुंच रहे हन सारिआं नूं इह बेनती है इस इकट्ठ नूं आपां सभनां ने होर मजबूत करना है इसे लड़ी विच अगले समय वास्ते 10 मिनट सत्कारयोग भाई दर्शन सिंह जी गुरमत विचार राही आप संगत नूं निहाल करनगे आओ तिना पासों विचार आप श्रवण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰਾ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਬਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ
इस जंग दे विच इस लड़ाई दे विच जिहड़ी उहनां दी शहादत होई है असी सारे ही इस शहादत दे विच उहनां नूं नमन करदे हां। मैं सोचदा हां कि इस विचार दे विच जिथे असी भाई नवनीत जी नूं याद कर रहे हां उत्थे उहनां दे पिछोकड़ नूं नहीं भुलणा चाहीदा। 2021 है फरवरी का महीना, जे ठीक इस तू पिछे 100 साल आप जी चले जाते हो 1921 फरवरी का महीना साका ननकाणा साहब इस नू आजाद कराने के लिए इस साके दे विच कई किसाना कई सिखा ने कई गुरु के लाडलिया ने बलिदान दिता है। इस दौरान करतार सिंह चब्बर इन्हां दे जत्थे दे विच भाई नवनीत सिंह जी दे दादा जी अते दादी जी भी इस संघर्ष विच शामिल सन। इस साके दे विच उन्हां ने पूर्ण तौर ते अपना योगदान पाया है। ते नाल ही नाल मैं बेनती करा सत्कारयोग सरदार हरदीप सिंह जी जेड़े भाई नवनीत सिंह जी दे दादा जी ने जदों असी उन्हां दी गल करदे हां ते गुरद्वारा बुढ़ा जोड़ संत फतेह सिंह जी तिन्हां दी सेवा दे विच भी इन्हां दा वध चढ़ के योगदान रहा है, पूर्ण तौर ते योगदान रहा है। नाल ही नाल जिस दिन 26 तरीक नूं मेरे वीर नवनीत सिंह जी तिन्हां दी शहादत हुंदी है उस दिन भी इन्हां दे दादा हरदीप सिंह जी राजस्थान दे बॉर्डर ते लंगर दी सेवा कर रहे सन। तो ये कह सकते हैं आपां कि जनतक संघर्ष दे विच इस पूरे परिवार ने वध चढ़ के योगदान पाया है ते चढ़दियां कलां दे विच रह के समाज संसार दे भले दे लई हुण वी इह तत्पर रहिंदे ने। मेरे कोल बहुता समा नहीं पर आपां इह गल अखीर जरूर कहीए कि इह सरकारां जिहड़ियां ने इह समें समें दे विच आम जनता ते दबाव पाउंदियां ने, इन्हां नूं गुलाम बना के रखणियां चाहुंदियां ने, पर कदी कदी कुछ सूरमे कुछ जोधे ऐसे हुंदे ने जिहड़े अपनी शहादत दे के इस सरकार ते किते हुए जुल्म दा विरोध करदे ने। मैं गल नूं बहुत ही लंबी ना करदे हुए धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी गल करां। जदों धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शांतमई शहीदी हुई सी उस तो उपरंत धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जदों जालम सरकार दे नाल 4 जंगा लड़िया सन ते चारों विच जित प्राप्त कीती सी। कई इतिहासकार ये गल कहिंदे ने कि कुछ कु दिनां विच धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पास ऐसी कि ताकत आ गई सी। मैं बेनती करनी चाहवांगा कि जदों शांतमई तरीके दे नाल धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी शहादत दिती है ते धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने गल कही सी मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों हर गोविंद की तलवार कौन रोकेगा। तो ये शांतमई शहादत का कारण ही सी कि एक जलजला उठिया एक तूफान उठिया आम जनता दे विच ते विचार पैदा हो गया कि नहीं इस तरह से जुल्म सहन नहीं करांगे ते धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाल एकत्र होके कई सिखा ने कई लोगों ने गुरु साहिब जी दे नाल संघर्ष करके इन्हां 4 जंगां दे विच जित प्राप्त कीती सी। इसे तरह अज भी इस किसान अंदोलन दे विच जिथे किसान शांतमई तरीके दे नाल अंदोलन कर रहे ने इस शांतमई अंदोलन दा एक ऐसा समा आएगा कि जदों सरकार नूं साडे सामने झुकना पएगा अते जिथे भाई नवनीत सिंह जी दी शहादत हुई है ते अजाई नहीं जाएगी
ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੌਦ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਜਗ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੋਰ ਲੱਗਾ, ਝੁਕੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਬਾਝੋਂ ਆਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਅਜੇ ਨਾ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਜੜ ਚ ਪਿਆਰੇ ਰੱਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਢੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕ ਦੇਸੀ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨਪੁਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਆਪ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।